अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अवकाश, आप देख रहे हैं बर्ड ज्वेलरी चैनल। बर्ड ज्वेलरी चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के लिए बर्ड्स की जो फॉर सेल वराइटीज़ हैं वो लेके आया हूँ। काफ़ी सारी वराइटीज़ हमारे पास फॉर सेल आई हुई हैं और बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पे और कॉल करके पूछते हैं कि भाई हमें इनके बच्चे चाहिए या बड़े पेयर चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ कुछ वराइटीज़ हैं वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा, तो काइंडली आप ज़रा चेक कर लें और फिर मुझे आप बताएं जिस बंदे को जो वैरायटी चाहिए होगी वो इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी अगर स्टॉक में अवेलेबल हुई। तो पहले आपको बता रहा हूँ वीडियो की तारीख देख लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम वीडियो लोग लेट देखते हैं तो फिर कहते हैं कि ये चीज़ आपने वीडियो में बताई थी अवेलेबल है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है। तो लिमिटेड स्टॉक होता है, बहुत मुख्तसर सा, यानी कि समझ लें कि वो बर्ड्स की वैरायटी हमारे पास अवेलेबल होती है जो टाइम पे अवेलेबल हो जाए तो उसको समझा गनीमत। और अभी बताते हैं जी आपको क्या क्या फॉर सेल है। एक साइड से शुरू करता हूँ, कुछ वैरायटीज़ मेरे अपने शेड पे है, कुछ एक दोस्त हैं उनके शेड पे है, तो उनकी वीडियोज़ मैंने ले ली थी, वो आप दोस्तों के साथ इसमें इंशाल्लाह शेयर करूँगा। पीकॉक इंडियन ब्लू शोल्डर, सॉरी इंडियन ब्लैक शोल्डर मेल है, ठीक है जी, ये फॉर सेल है, बहुत प्यारा खूबसूरत लेंथी मेल है। इसमें बड़े पेयर भी पड़े हुए हैं लेकिन वो मेरे अपने पास नहीं, एक दोस्त उनके पास पड़ा हुआ है। अगर आपको पीको के बड़े ब्रीडर पेयर चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें एक हमारे पास ब्लू पाइड का पेयर पड़ा हुआ है, उसकी भी वीडियो में ऐड कर दूँगा, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और डक्स के यार अभी ब्रीड नहीं आई, काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं डक्स की ब्रीड, तो यार अभी तक तो मसला आ रहा है, इनका बच्चा नहीं निकल रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डेड इनशेल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे आ जाएं जी, ब्लू ईयर फिजेंट, अच्छा जी ये 100% ग्रंटेड ब्रीडर है माशाल्लाह। इसने वो देखें सामने अगर आपको नज़र आ सके तो वहाँ पे इसने एक अंडा भी दिया हुआ है और फर्टिलिटी भी इंशाल्लाह आ रही है, बेहतरीन आ रही है। लेकिन यह कि हमारे पास मेरे पास अभी इसमें थोड़ा सा डेड इनशियल का मसला आया था, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास इनक्यूबेटर का मसला आ गया था एट द टाइम जब ये अंडे लगे हुए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 40 पे टेम्परेचर चला गया था तो ओवर हीट हो गए थे इनक्यूबेटर। तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह, इसकी साथ में एक और वीडियो है वो भी आप दोस्तों के साथ हैंड टेम की मैं ऐड कर दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा माशाल्लाह, बहुत प्यारा हैंड टेम पेयर है। रीफिजेंट, अच्छा रीफिजेंट में हमारे पास तकरीबन अवेलेबलिटी में 7 मादा हैं। काफ़ी सर को दोस्त कहते हैं कि हमें सेट में दें तो उनके लिए लक है, अंडा भी दिया हुआ है माशाल्लाह। ये इसके साथ 3 मादा हैं जी, एक नर है, अलग अलग मादा चाहिए, एक्स्ट्रा मादा किसी चाहिए वो मिल जाएंगी, पेयर भी मिल जाएगा और मादा एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। हैंड टेम पेयर है, मोल्टिंग कर रहा है अभी, क्योंकि आपको पता है कि अभी यानी कि ब्रीडिंग सीजन एंड हो रहा है तो फिर ये मोल्टिंग करेंगे अभी। तो ये पेयर है एक फॉर सेल, प्राइसेस मैं वीडियो में नहीं बता सकता यूट्यूब पॉलिसी के तहत, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे सेल परचेज का काम करना जो है वो प्रोहिबिटेड है, इसलिए हम उस पर ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं वैरायटीज़ बता रहा हूँ। अच्छा जी, लेडी एमरेड का एक ब्रीडर पेयर है, वो आपको मिल जाएगा, इम्पोर्टेड पेयर है ब्रीडर, और एक ही पेयर है ये, यानी कि अगर जो पहले बुक करवा लेगा उसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने लिए अभी नई वैरायटी हमारे पास आ रही है इंपोर्टेड शिपमेंट तो उसमें से हम रोक रहे हैं। रीव का ब्रीडर 100% ब्रीडर मेल, साथ में 4 फीमेलें पड़ी हुई हैं, फर्टिलिटी भी दी है इसने, लेकिन 4 फीमेलें ना लगाएं क्योंकि मेरे पास मेल एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मैंने मजबूरन 4 फीमेल इसके साथ छोड़ी थी। तो बेहतरीन तरीका है कि आप इसके साथ एक मेल 2 फीमेलें लगा सकते हैं आप, उसमें इंशाल्लाह आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। और लेकिन ये कि आपको अवेलेबल हो जाएंगी 7 फीमेलें हैं 2 मेल हैं, अगर रीव कोई इकट्ठे उठाना चाहेगा तो मुनासिब रेट में इसको मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद और वैरायटीज़ में हमारे पास ग्रीन जावा की फ़ीमेल खड़ी है, टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत फ़ीमेल है। अब मेरे पास इसका मेल अभी अवेलेबल उस वक्त नहीं था ब्रीडिंग सीज़न में, कुछ बजट का शॉर्टेज थी मेन मसला जो था, तो हमने मेल नहीं लिया था, लेकिन मेरे पास शॉप पर एक ब्लैक शोल्डर मेल आ गया था तो मैंने लगा दिया था, लेकिन ब्रीड नहीं आई क्योंकि मेल मैंने बहुत लेट लगाया था। तो अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो ग्रीन जावा की फ़ीमेल मिल जाएगी, बहुत टॉप क्वालिटी माशाल्लाह फ़ीमेल है, लेकिन इसकी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पौने 3 साल की तकरीबन, ढाई साल की तकरीबन फ़ीमेल है, या पौने 3 साल की फ़ीमेल होगी तकरीबन, और ये जो दोस्त लेना चाहे इसको मिल जाएगी। बाकी वराइटीज़ ये हैं जिसमें लेडी एमरेड का जोड़ा है आप देख सकते हैं, अच्छा उसके बाद येलो गोल्डन का पेयर पड़ा हुआ है हमारे पास, चेक कर लें आप, ये येलो गोल्डन का पेयर है और ये पेयर आपको येलो गोल्डन का जो है वो मिलेगा फाइनली अपना, इसकी भी मैं प्राइस वीडियो में दे दूंगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में,
तो येलो गोल्डन का पेयर पड़ा हुआ है और ये इंपोर्टेड पेयर है, सेप्लेट पीच गोल्डन है, सेप्लेट पीच गोल्डन की वरायटी में से निकला हुआ। आप नेट पे जाके पीच गोल्डन लिखेंगे आपके पास पीच गोल्डन फ्रिजेंट उसकी वरायटी आ जाएगी। वो एक म्यूटेशन है जो येलो गोल्डन से निकली हुई है, तो ये उसमें से निकला हुआ है, यानी कि यानी पीच गोल्डन की जो ब्रीड में से आई थी उसी में से ये आगे एक पेयर निकला हुआ। लेकिन ये कि पीच गोल्डन म्यूटेशन है, येलो गोल्डन जो है वो ओरिजिनल ब्रीड होती है मेरे जो नॉलेज में। हो सकता है ये भी म्यूटेशन हो, लेकिन इसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता, अपने बासू के जरिए से चेक किए बगैर। अच्छा पीच ये अपना सॉरी येलो गोल्डन का पेयर आपको मिल जाएगा। अच्छा जी अभी आगे आ जाइए, अरेबियन पैट्रिज है, ये देख ले अरेबियन पैट्रिज मस्कती चकोर जिसे हम कहते हैं, और हैंटेम पेयर है, बहुत अच्छा पेयर है, ये आपको मिल जाएगा फॉर सेल, कार्गो पूरे पाकिस्तान की अवेलेबल है। अच्छा जी ये आपको मस्कती चकोर अरेबियन पैट्रिज का पेयर है और बहुत अच्छा पेयर है माशाल्लाह, हैंडटेम है, फुल मस्ती भी करता है, बहुत खूबसूरत टॉप ऑफ द क्वालिटी का पेयर है, ये अवेलेबल है। एंड उसके बाद हमारे पास फिर जो अवेलेबिलिटी है उसमें है हमारे पास आगे आ जाए तो रीफ्रिजेंट मैंने आपको पहले दिखा दिए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं और जो दोस्त लेना चाहेंगे उनको अवेलेबल हो जाएगी। किसी किस्म का आप दोस्तों को बर्ड चाहिए मिल जाएगा, पट्ठे अभी नहीं आ रहे, पट्ठे जैसे आएंगे इंशाल्लाह तो आपको दे देंगे। अभी बड़े पेड़ पड़े हुए हैं वो आप दोस्तों को अवेलेबल हो जाएंगे, पूरे पाकिस्तान की कार्गो फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल हो जाएंगे, फील फ्री होकर आप दोस्त परचेज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किस किस्म का आप दोस्तों का कुछ सवाल हो, आप दोस्त पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता हूँ, उस पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने पहली दफ़ा हमारी वीडियो देखी, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।